हेलो फ्रेंड्स, मेरी भोजनशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए मुझे कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने लिया है आधा बाउल इमली का गूदा। इमली को मैंने 2 घंटे पहले पानी में गला दिया था, इसके बीजे और रेशे सारे निकाल दिए हैं। 1 बाउल गुड़ लिया है, इसके मैंने बारीक टुकड़े कर लिए हैं। ये मैंने सादा नमक लिया है, ये जीरा लिया है, ये काला नमक लिया है, ये सौंफ ली है, और ये खड़ा धना है, और ये लाल मिर्च पाउडर है, और ये हींग है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने की प्रोसेस। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस पे हम ये पैन गरम रख देंगे। आंच हम मीडियम कर देंगे। ये जीरा डाल देंगे इसमें, ये सौंफ डाल देंगे, और ये खड़ा धना भी इसमें डाल देंगे, और इसे कुछ देर के लिए हम इसको सेकेंगे। ये देखिए, ये खड़ा मसाला सिक चुका है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और ये खड़े मसाले को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये खड़े मसाले को हम मिक्सर के जार में डाल करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये खड़े मसाले का मैंने बारीक पाउडर बना लिया है। अब हम इमली पीसेंगे। ये इमली और गुड़ को मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ, और ये गुड़ भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, करीब आधा गिलास पानी लगेगा हमें। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे छानेंगे। छानने से इसमें इमली में अगर कुछ रेशे या बीजे रह गए हो तो वो भी इससे निकल जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसे छान लिया है। अब हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे। गैस ऑन कर देंगे। ये बर्तन इस पर रख देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये हींग डाल दी है मैंने। एक चौथाई चम्मच काला नमक डाल रही हूँ, सफेद नमक डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच। नमक वैसे आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, आप ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ आधा छोटी चम्मच डाला है। लाल मिर्च डाल रही हूँ, और ये सिका हुआ जो भुना हुआ पाउडर था 1 चम्मच, मैं इसको डाल रही हूँ। अब हम इसे बॉईल होने देंगे। इमली की चटनी को हमें बगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हम अधिकतर इसे स्नैक्स के साथ ही सर्व करते हैं। तो स्नैक्स में तेल तो रहता ही है, इसलिए आप इसे बगार ना लगाए, इसे सिंपल ही बनाए, वो बहुत टेस्टी बनती है ये चटनी। ये देखिए, चटनी में उबाल आ गया है, लेकिन इसे अभी अभी थोड़ी देर और हमें पकाना होगा। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। ये देखिए, इमली की चटनी में अच्छे से उबाल आ गया है। इसे मैंने 5 मिनट तक और उबाला है, और ये चटनी बनकर रेडी है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। ये देखिए, हमारी इमली की चटनी बनकर के तैयार है। ऊपर से हम ये हरे धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे। बहुत ही अच्छी चटनी बनी है, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।